तो नशे का मुद्दा सियासत दे विच खूब गूंज रहा है पंजाब दे विच। उधर सिद्धू, जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस दे विच शामिल होंगे या नहीं, इस नूं लैके पंजाब कांग्रेस मुखी ने स्थिति साफ करने की कोशिश की है। सिद्धू की मौजूदा स्थिति नूं लैके सब तो ज्यादा चुटकी अकाली दल लै रहा है, क्योंकि अकाली दल का बहाना करके ही सिद्धू बीजेपी तो वक्त हुए सन। नवजोत सिंह सिद्धू आवाजे पंजाब फोरम के नाल मिलके किस नाल हाथ मिलाउणगे, इस ते सिद्धू और उनके साथी फिलहाल पत्ते खोलन नूं राजी नहीं। अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है, पर बाहर उन्होंने लैके सियासत गर्म है। उन्होंने कांग्रेस ज आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह का ताज़ा बयान चुकाने वाला है। पंजाब कांग्रेस मुखी ने साफ कर दिया कि सिद्धू कांग्रेस च शामिल नहीं होणगे, अते मीडिया खुद ही अफवाहों नूं हवा दे रहा है। जबकि अकाली दल का कहना है कि सिद्धू ने खुद ही अपने पैर ते कुहाड़ी मारी है। सर, नवजोत सिंह सिद्धू कब तक ज्वाइन कर रहे हैं? कोई नवजोत सिंह सिद्धू नहीं ज्वाइन कर रहा, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं, तुसी आप ही बनाई जाने और आप ही सवाल पूछना। जिन्नी सा नवजोत सिंह सिद्धू नाल माड़ी हुई है, मैं अपनी जिंदगी च राजनीति च एडी किसी ने माड़ी होंगी नहीं वेखी, और माड़ी भी खुद आपके पैरी आप कुहाड़ा मारिया मनुख ने उस। उधर सिद्धू नूं लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह अते पंजाब बीजेपी ने चुटकी लई है। बीजेपी का कहना है कि सिद्धू नूं लैके कैप्टन का वार वार बयान पलटना उन्होंने शोभा नहीं दिंदा। उहदा स्वागत है, कदी वो चंगा कदी वो माड़ा, वो की करदे हो कैप्टन साहब, एक वाणी रखो, या तो चंगा या माड़ा। तुसी राजनीति दे हिसाब नाल जे तुहाड़े कोल आ रहा चंगा है, जे तुहाड़े दूर जा रहा माड़ा, इहो जी गल्लां ना करो। सिद्धू वालों अगला कदम नहीं उठाए जाण ते कांग्रेस थोड़ा बहुत बेचैन जरूर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस च शामिल हो सूरत च पार्टी नूं फायदा होण दी उम्मीद है। अमृतसर तो राजन गोसाई, चंडीगढ़ तो प्रीत प्रिंजा, जी मीड। अगे वधदे ते हुण खबर लुधियाणा तो, भलके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुधियाणा फेरी ते पहुंच रहे ने, जिथे ओह सनअतकारां नूं सन्मानित करनगे। उधर प्रधानमंत्री दी फेरी नूं लैके सुरक्षा दे वी पुख्ता इंतजाम लुधियाणा च कीते गए ने। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को लुधियाणा और हिमाचल के मंडी के होंगे। लुधियाणा च प्रधानमंत्री मोदी के प्रोग्राम को वेखते हुए पीओयू के विशाल पंडाल तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री इतने 350 औरतों इलैक्ट्रॉनिक चरखे वंडनगे, जो कि देश भर तो लुधियाणा में आके कारोबार करने वाले व्यापारियों सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद MSME को अपग्रेड कर लॉन्च करेंगे। मुख्य रूप से वही एक तो खादी के चरखे को प्रधानमंत्री जी, कभी गांधी जी ने चरखा सम्मेलन की थी, वही चरखा सम्मेलन यहां की है, और वो चरखा उन आर्टिजन को हम समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री के हाथों से। सुरक्षा का जिम्मा स्थानक पुलिस और केंद्र तो पहुंचे सुरक्षा दस्तियों के जवानों के हाथों के विच होएगा। मौके उत्ते डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ते की तैनाती की गई है, नाल ही पूरा इलाका CCTV के दायरे विच रहेगा। प्रधानमंत्री इत्थे पहुंच के कारोबारियों नूं संबोधित करन दे नाल कई होर प्रोग्राम भी लॉन्च करनगे। तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया, लुधियाणा। तपल के लुधियाणा पहुंच रहे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर दूजे पासे दो दिन की फेरी उत्ते गृहमंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ पहुंचे हुए ने। जी हाँ, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर तो पाकिस्तान उत्ते निशाना साधिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ना दूजे का भला कर सकता है और ना ही अपना भला चाहता है। पाकिस्तान से हमला बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि उसको यह समझना चाहिए कि जो सप पालते हैं सप उन्होंने भी डसते हैं। गृहमंत्री के मुताबिक पाकिस्तान फ्रीडम फाइटर और दहशतगर्दों के विचाले का फर्क समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी सरगर्मियों की वजह नाल पाकिस्तान कौमांतरी पद्धर उत्ते इकला पैंदा जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक ते राजनाथ सिंह ने कहा कि LOC पार भारतीय फौज हमला करन नहीं बल्कि दहशतगर्दी कैंपां दा सफाया करन गई सी। राजनाथ दे मुताबिक बॉर्डर सील करन दा एक्शन प्लान छेती ही तैयार हो जाएगा। कुछ मुद्दों को लेकर पाकिस्तान इतना ऑब्सेस्ड है कि न तो वह दूसरों का भला कर सकता है, न दूसरों का भला दिखाई देता है, न तो उसे अपना ही भला दिखाई देता है। यह हालत है पाकिस्तान की। स्टेट पॉलिसी, अपने आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी के रूप में अपनाकर आज पाकिस्तान खुद को न केवल साउथ एशिया में बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्वयं को आइसोलेट करता चला जा रहा है। पाकिस्तान का
कश्मीर को लेकर भी ऑब्सेशन इस कदर बढ़ चुका है कि आतंकवादी और फ्रीडम फाइटर में अब उसे फर्क नजर नहीं आता है। अथवा यह हो सकता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर के बीच क्या अंतर होता है, यह अंतर करना ही वो भूल गया है।